हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ, आई शैल टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर सेकेंड ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन गिविन वैल्यूज। फॉर्मूलाज जो फंक्शंस होते हैं वो पूर्व निर्धारित फॉर्मूला होते हैं जो कि दी हुई वैल्यूज पर गणना करते हैं, दी हुई वैल्यू की गणना करते हैं। द वैल्यूज ऑन विच कैलकुलेशन आर परफॉर्म आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन। वैल्यू जिन पर गणना की जाती है वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं। इन एम एस एक्सेल में ए फंक्शन बिगिन्स विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाई फंक्शन नेम। एक फंक्शन में एक जो एक फंक्शन होता है वो इक्वल साइन से शुरू होता है फॉलोड बाई फंक्शन नेम, इसमें फंक्शन नेम दिया जाता है स्टार्टिंग में, पहले इक्वल साइन होता है उसके बाद फंक्शन का नाम। एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस और एक शुरुआती कोष्टक, खुला कोष्टक। द आर्ग्यूमेंट फॉर द फंक्शन और फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट्स एंड ए क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक फिर कोष्टक को क्लोज करते हैं। पहले कोष्टक स्टार्ट करते हैं फंक्शन लिखने के बाद, फिर बाद में आर्ग्यूमेंट्स लिखने के बाद कोष्टक को क्लोज करते हैं, पैरेंथेसिस मीन्स कोष्टक। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कंसीडर द फॉर्मूला, फॉर्मूला पर विचार करें। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट ए वन बी थ्री सी सिक्स ब्रैकेट क्लोज। हेयर सम इज द फंक्शन नेम, यहाँ जो सम है वो फंक्शन का नाम है। ए वन बी थ्री एंड सी सिक्स आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑन विच द फंक्शन इज अप्लाइड, और ए वन बी थ्री और सी सिक्स आर्ग्यूमेंट्स हैं जिस पर फंक्शन को अप्लाई किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द सम फंक्शन इज द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन इन एम एस एक्सेल। जो सम फंक्शन है वो एम एस एक्सेल में बहुत ही लोकप्रिय फंक्शन है। एज इज ओबिशियस फ्रॉम द नेम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ओबिशियस मीन्स स्पष्ट। इट एड्स द वैल्यू इन ईच ऑफ द स्पेसिफाइड सेल्स, यह प्रत्येक निर्दिष्ट सेल में दी हुई वैल्यू को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लेट अस लुक एट वेरियस सम फंक्शंस बेस्ड ऑन दिस वर्कशीट। इस वर्कशीट पर आधारित हम विभिन्न सम फंक्शंस को देखते हैं। एग्जाम्पल इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉलन बी थ्री ब्रैकेट क्लोज, इसमें सेल्स आपके हैं ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू एंड बी थ्री, इन्हें ऐड किया गया है ए वन ए टू ए थ्री और बी वन बी टू बी थ्री, इनको ऐड किया गया है। इनको ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया है वो आया है आपका 27। ऐसी सेकंड फॉर्मूला दिया हुआ है इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉलन ए फोर कॉमा बी वन ब्रैकेट क्लोज, इसमें आपके सेल्स जो ऐड हैं वो आपका है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड बी वन। ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और बी वन को ऐड किया है तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया है 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉमा ए थ्री कॉमा ए फाइव, ए वन ए थ्री और ए फाइव को ऐड किया तो रिजल्ट आपका आया 9। जो सम फंक्शन होता है वो ऐड करने के लिए होता है, जोड़ करने के लिए। द एवरेज फंक्शन फाइंड्स द एवरेज ऑफ द स्पेसिफाइड सेल्स डाटा। जो एवरेज फंक्शन होता है वो निर्दिष्ट सेल के डाटा का एवरेज देता है। एवरेज मीन्स एडिंग ऑल द स्पेसिफाइड सेल्स। एवरेज का मतलब होता है सभी निर्दिष्ट सेलों को जोड़ देना, जो निर्दिष्ट सेलों में संख्याएं दी हुई हैं उन्हें जोड़ देना। एंड डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और जो सेल्स होती हैं उनकी कुल संख्या से उनके जोड़ को डिवाइड कर देना। जैसे ए वन से लेकर ए फोर तक आपके सेल्स को जोड़ा, जो ए वन से ए फोर तक का जो टोटल आए, और ए वन से ए फोर आपके कितने सेल यूज होंगे 4, तो जो टोटल नंबर आए उसमें 4 से डिवाइड कर देना तो जो आपका एवरेज है वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लेट अस लुक एट वेरियस एवरेज फंक्शंस बेस्ड ऑन दिस वर्कशीट। आओ देखते हैं
वेरियस एवरेज फंक्शन, विभिन्न एवरेज फंक्शन को बेस्ड ऑन दिस वर्क सीट, जो कि इस वर्क सीट पर आधारित है. एग्जाम्पल, इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉलन बी फोर ब्रैकेट क्लोज, इसमें आपके सेल्स एड हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बी वन बी टू बी थ्री एंड बी फोर. ए वन से लेकर बी फोर जब आप ऐड करोगे इस वर्क सीट में, तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 40. और ए वन से लेकर बी फोर तक जो सेल हैं उनकी संख्या कितनी है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर एंड टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जो सेल्स की संख्या है टोटल वो है 8, और जो इनका टोटल आएगा इन सेल्स का, इसमें जो डिजिट दिए गए हैं इनका टोटल जो आएगा ए वन से बी फोर तक का, वो आएगा 40. तो 40 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 40 को जब 8 से, ये जो सेल्स हैं वो आपके 8 दिए गए हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 5, वो इसमें दिया हुआ है. तो जो 5 है वो आपका एवरेज है. ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉलन ए फोर कॉमा 25. इसमें भी फर्स्ट एग्जांपल की तरह करेंगे, पहले जो सेल्स दिए गए हैं उन्हें ऐड करेंगे, और जो सेल्स हैं उनकी जो संख्या है, कितने सेल्स यूज हुए हैं उस उन सेल्स की संख्या से जो टोटल आएगा उसमें डिवाइड कर देंगे, तो उसमें आपका रिजल्ट दिया है 7. ऐसे ही ये एग्जांपल भी है, इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉमा ए थ्री कॉमा बी थ्री ब्रैकेट क्लोज, इसमें आपके 3 सेल्स यूज हुए हैं ए वन ए थ्री एंड बी थ्री. ए वन में है 1, ए थ्री में 3, 3 और 1 4, 4 और 8 12. तो 12 इसमें आपका जो टोटल है, और आपके इसमें कितने सेल्स यूज हुए हैं 3, 1 2 3. तो 12 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4. तो इस तरह से आपका एवरेज निकलता है. आगे बढ़ते हैं, द मैक्स फंक्शन. द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स. जो मैक्स फंक्शन होता है वो चुनी हुई सेल्स की श्रेणी में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे देता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लेट अस लुक एट वेरियस मैक्स फंक्शंस बेस्ड ऑन दिस वर्क सीट. इस वर्क सीट पर आधारित विभिन्न मैक्स फंक्शंस को देखते हैं. एग्जाम्पल, इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉलन ए फोर ब्रैकेट क्लोज, इसमें आपके जो सेल्स यूज हुए हैं वो है ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर. तो ए वन से लेकर ए फोर में जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे अधिकतम वैल्यू है, उसे लिखना है. तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ए वन से ए फोर में जो अधिकतम वैल्यू है वो है आपकी 4. तो जो रिजल्ट आपका दिया है वो भी क्या दिया है, 4. इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉलन ए फोर कॉमा 245 ब्रैकेट क्लोज, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे अधिकतम वैल्यू है, उसे लिखना है. जो मैक्स फंक्शन होता है वो अधिकतम वैल्यू को देता है, तो अधिकतम वैल्यू ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और साथ में 245 दिया गया. तो इन सब में जो सबसे अधिकतम वैल्यू है वो है 245. तो आपका रिजल्ट में भी क्या आया है, 245. फिर है इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट बी वन कॉमा ए थ्री ब्रैकेट क्लोज, बी वन और ए थ्री में जो मैक्सिमम वैल्यू है, बी वन और ए थ्री में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपकी 6. तो रिजल्ट में भी आपका क्या लिखा है, 6. द मिनिमम फंक्शन. द मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट और मिनिमम वैल्यू इन द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स. जो मिनिमम फंक्शन होता है वो चुने हुए सेल्स की श्रृंखला में सबसे कम वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू को लिखता है या देता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लेट अस लुक एट वेरियस मिनिमम फंक्शंस बेस्ड ऑन दिस वर्कशीट. आओ देखते हैं विभिन्न मिनिमम फंक्शंस को
बेस्ड ऑन दिस वर्कशीट, जो कि इस वर्कशीट पर आधारित है। एग्जाम्पल, इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट A1:A4 ब्रैकेट क्लोज। इसमें सेल्स आपके ऐड हैं A1, A2, A3 एंड A4। A1 से A4 तक जो सबसे कम वैल्यू है वो है आपकी 1, तो आपका रिजल्ट में भी क्या दिया हुआ है 1, क्योंकि जो मिनिमम फंक्शन होता है उसका कार्य होता है जो सबसे मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे देना। वहाँ पे जो 1 है वो सबसे कम वैल्यू है, इसलिए रिजल्ट आपका क्या है 1। इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट A2:A3, 800। इसमें A2, A3 और 800 में जो आपकी मिनिमम वैल्यू है A2 एंड A3 और 800, इसमें मिनिमम वैल्यू आपकी है 2, तो रिजल्ट में भी आपका क्या दिया है 2। इक्वल मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट B1:B3 ब्रैकेट क्लोज। B1 और B3, तो B1 और B3 में जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी 6, तो यहाँ रिजल्ट में भी आपका दिया है 6, यहाँ B3 होगा, गलती से A3 लिख गया है। द काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर्स ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स न्यूमेरिक डाटा इन द सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स। जो काउंट फंक्शन होता है वो चुनी हुई सेल्स की श्रृंखला में जो न्यूमेरिक डाटा होता है उसे बताता है, न्यूमेरिक सेल्स को बताता है। एग्जाम्पल, इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट A1:A6 ब्रैकेट क्लोज A1, A2, A3, A4, A5 एंड A4। A6 होगा यहाँ पे एंड A6। 5, A6 इज नॉट काउंटेड एज इट हैज ए टेक्स्ट एंट्री। जो A1 से A6 है उसमें सिर्फ 5 तक जो वैल्यू है, जो आपके सेल्स दिए हैं A1 से A6 तक, तो उसमें जो 6 है उसे ऐड नहीं किया गया, उस सेल को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है उसका कार्य होता है उन सेल्स को जोड़ना, उन सेल्स की संख्याएं बताना जिसमें डिजिट दिए होते हैं, वो टेक्स्ट वाले सेल की संख्या को नहीं जोड़ता। तो इसमें जो 6 वाला सेल है वो उसे नहीं जोड़ा गया क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, वही इसमें लिखा है A6 इज नॉट काउंटेड एज इट हैज ए टेक्स्ट एंट्री। इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट A1:B3, 100। A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड 100। तो A1 से B3 और 100, तो इसमें जो आपके सेल्स यूज हुए उनकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो काउंट फंक्शन होता है उसका कार्य होता है जिन सेल्स में डिजिट यूज किए गए हैं उनकी संख्या को बताना, तो डिजिट जितने सेल में यूज किए गए हैं वो है 7, तो रिजल्ट में भी आपका दिया हुआ है 7। इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट A1:A3 ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें आपके 3 सेल्स यूज किए गए हैं, तो रिजल्ट में भी आपका 3 दिया हुआ है। तो काउंट फंक्शन का कार्य होता है जिन सेल्स में डिजिट दिए होते हैं उन संख्या उसकी संख्या को बताना। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस लुक एट वेरियस काउंट फंक्शंस बेस्ड ऑन दिस वर्कशीट। उदाहरण के लिए इस वर्कशीट पर आधारित विभिन्न काउंट फंक्शंस को देखते हैं। ये सारा आपको एग्जाम्पल हम समझा चुके हैं, उसकी वर्कशीट दी हुई है यहाँ पे। द इफ फंक्शन, यू हैव लर्न अबाउट द इफ स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक विच इज यूज टू चेक ए कंडीशन। यू हैव लर्न अबाउट द इफ स्टेटमेंट, आपने क्यू बेसिक में इफ स्टेटमेंट के बारे में जाना है। विच इज यूज टू चेक ए कंडीशन, जिसका प्रयोग एक स्थिति जांचने के लिए किया जाता है। सिमिलरली द इफ फंक्शन इन MS Excel चेक्स ए कंडीशन, इसी तरह इफ फंक्शन MS Excel में जांचता है एक कंडीशन एक स्थिति को एंड रिटर्न्स 1 वैल्यू और 1 वैल्यू देता है इफ द कंडीशन इज ट्रू, यदि कंडीशन
ट्रू हो एंड ए डिफरेंट वैल्यू, और डिफरेंट वैल्यू देता है इफ द कंडीशन इज फॉल्स, यदि कंडीशन गलत हो। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक वैल्यू देता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो विभिन्न वैल्यू देता है, भिन्न वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, रवि टाइप्ड द फॉलोइंग इफ फंक्शन इन द सेल D5। रवि ने D5 सेल में निम्नलिखित फंक्शन को टाइप किया, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट D3 ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यू हैव पास डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू हैव फेल्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी कि अगर जो D3 है वो बड़ा है या बराबर है 40 के, तो आपका आएगा यू हैव पास्ड वरना यू हैव फेल्ड। यू हैव पास्ड विल बी डिस्प्लेड इन द सेल D5 ओनली इफ द वैल्यू इन D3 इज ग्रेटर देन और इक्वल द 40। यू हैव पास्ड केवल तब दर्शाया जाएगा D5 में यदि द वैल्यू इन D3 जो D3 में वैल्यू है, D3 की वैल्यू है वो ग्रेटर मीन्स बड़ी हो देन और इक्वल या बराबर हो टू 40। जो D3 की वैल्यू है वो या तो 40 से बड़ी हो या 40 के बराबर हो, तब तो यू हैव पास्ड आएगा वरना यू हैव फेल्ड लिख के आएगा। बेस्ड ऑन द वर्कशीट कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, वर्कशीट पर आधारित निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करिए। एग्जाम्पल, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा गुड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बैड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। कंडीशन इज A2 ग्रेटर देन और इक्वल 20 बैड। जो A2 की वैल्यू है वो अगर 20 से बड़ी होती या बराबर होती तो आता गुड। जो A2 की वैल्यू है वो 20 के ना तो बराबर है ना 20 से बड़ी, इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आया वो आया बैड। जो A2 की वैल्यू है वो ना तो 20 से बड़ी है ना 20 के बराबर, इसलिए रिजल्ट में आपका क्या आया बैड। ऐसे इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट B6 इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एग्जांपल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट राइट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रॉन्ग डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज इज B6 इक्वल। एग्जाम्पल, जो B6 सेल है वो एग्जाम्पल के बराबर है, अगर बराबर है तो आपका आएगा राइट, तो यहाँ राइट लिखा हुआ है। तो एक बार B6 सेल को देखते हैं, B6 में एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट भी आया राइट। इस तरह से फंक्शन का यूज किया जाता है। ऐसे ये आपका तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस, आपने जो इस लेसन में सीखा है उससे अपनी प्रोग्रेस जांचें। नेम द सेल्स दैट विल बी कंसीडर्ड व्हेन द फॉलोइंग फंक्शन आर एंटर्ड इनटू ए वर्कशीट। जो ये फॉर्मूला दिए हुए हैं उसमें जो सेल्स का प्रयोग किया गया है उन पर विचार करिए। इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट D1, D4 कॉलन D7 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें जो सेल्स का यूज किया गया है उन सेल्स के नाम बताने हैं। तो इसमें आपकी सेल्स यूज की गई हैं D1 एंड D4, D5, D6, D7। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट H2, H5, H10 ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपकी जो सेल्स यूज की गई वो है H2, H5, H10। इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट D1, F3 ब्रैकेट क्लोज। इसमें जो आपकी सेल्स यूज की गई वो है D1, D2, D3 F1, F2 एंड F3। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट J10 ग्रेटर देन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रेड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट
bed, double inverted comma close, comma, double inverted comma start, fed, double inverted comma close, bracket close. इसमें जो आपका सेल यूज किया गया वो है J10. आगे बढ़ते हैं. समरी, समरी मीन्स सारांश. फॉर्मूलाज आर यूज इन MS Excel टू परफॉर्म कैलकुलेशन. जो फॉर्मूला होते हैं वो MS Excel में गणना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. MS Excel आल्सो हैज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज टू परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशंस. MS Excel भी पूर्व निर्धारित फॉर्मूला का एक सेट होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशन, विशेष गणनाएं करने के लिए. ऑल फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू साइन. जो सभी फॉर्मूला होते हैं वो इक्वल साइन से शुरू होने चाहिए. फॉर्मूला और फंक्शंस जो होते हैं वो इक्वल साइन से शुरू होने चाहिए. द इंसर्ट फंक्शन बटन ऑन द फॉर्मूला बार कैन बी यूज टू क्विकली एंटर ए फॉर्मूला. द इंसर्ट फंक्शन बटन, जो इंसर्ट फंक्शन बटन होती है ऑन द फॉर्मूला बार पर कैन बी यूज, उसका प्रयोग किया जा सकता है टू क्विकली एंटर ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला को शीघ्रता से एंटर कराने के लिए. आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है. इससे रिलेटेड जो वर्क है वो PDF में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी नोटबुक पर साफ साफ करना है और साथ ही याद भी करना है. थैंक यू.